बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र और आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। नाज़रीन, डिश वॉशर ये तो नहीं कहा जा सकता कि हर घर की ज़रूरत है, लेकिन एक मॉडर्न किचन का मस्ट हैव इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ज़रूर है। बाहर के ममालिक में कैनेडा ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, USA ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया हो, किचन का कॉन्सेप्ट डिश वॉशर के बगैर इनकम्प्लीट है। पाकिस्तान में इसका रिवाज अभी तक इतना आम नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी सहूलत हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको मद्देनजर रखना चाहिए डिश वॉशर खरीदते हुए। पहला फैक्टर है डिश कैपेसिटी, यानी डिश वॉशर कितना बड़ा है, उसमें कितनी डिशेस आ सकती हैं। ज़ाहिर है आप अपनी फैमिली के हिसाब से उसका साइज़ सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आम तौर पर डिश वॉशर्स आते हैं 18 इंच से लेके 24 इंच की कैपेसिटी में। दूसरा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि ऐसा डिश वॉशर लें जिसके रैक्स एडजस्टेबल हों। तीसरे नंबर पे ड्राइंग परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए, यानी आपके डिश वॉशर को कम से कम वक्त में बर्तनों को सुखाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतने ज़्यादा वक्त के लिए बिजली खर्च होती रहेगी। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स की, यानी कितनी बार आपका डिश वॉशर पानी लेता है बर्तनों को धोने के लिए। हम लोग आमतौर पर समझते हैं कि डिश वॉशर हम यूज़ करेंगे तो बिजली भी ज़्यादा खर्च होगी, पानी भी ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता। ये डिश वॉशर्स बहुत एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और वाटर सेविंग होते हैं। आमतौर पर ख़वातीन जैसे बर्तन धोती हैं तो जितना पानी उसमें खर्च होता है, डिश वॉशर अमूमन उससे कम पानी लेकर बर्तनों को धो देता है। पांचवें नंबर पे आपको ऐसा डिश वॉशर खरीदना चाहिए जिसकी वारंटी ज़्यादा हो। तो फ्रीज़र खरीदते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर ये दो डिश वॉशर्स मुझे बहुत पसंद आए, तो सुन लीजिए आप मेरी और दुकानदार की गुफ्तोशनीद। इनकी प्राइसेस भी आपको पता चल जाएंगी और अंदर से कैसे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप में से किसी ने फ्रीज़र की वीडियो नहीं देखी जो मैंने हाल ही में ख़रीदा है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। कितने का है ये? 65 के है, 1,15,000 का। LG, ये मिडास चाइना, ये कोरिया, मेड इन कोरिया, 100% ये देखा मेड इन कोरिया। LG का जी। इनकी कितनी कैपेसिटी होती है? आई थिंक 89 पीस का जो सेट है वो इसमें पूरा आता है। ये कितने का बता रहे हैं? 1,15,000 और ये 65। अच्छा, सिर्फ कंपनी के डिफरेंस की वजह से? सिर्फ कंपनी के डिफरेंस। लेकिन इसके मुताबिक जो मुझे कमेंट्स एक लेडी ने परसों दिए थे, कहते हैं कि इससे बेस्ट कोई नहीं है। इसके कमेंट्स वो लेडी के थे कि इससे बेस्ट कोई नहीं है और टोटल स्टेनलेस स्टील है। अच्छा, 10 ईयर वारंटी है? जी 10 ईयर। और इसकी कितनी है? इसकी आई थिंक 1 ईयर, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता। कीमत बहुत कम है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। कल को कंप्लेन आती है तो फिर वो खड़े पड़ते हैं। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज के सर्वे, प्लॉट और घरों के सेल परचेज और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की मालूमात के लिए पाक प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब कर लें।